गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ फैशन विद चेतना। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मॉम जीन्स को आप कैसे डिफरेंट तरीके से स्टाइल करके वियर कर सकते हो। तो वीडियो में जाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे मॉम जीन्स का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मॉम जीन्स क्या होती है वो नहीं पता है, तो उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो बेसिकली मॉम जीन्स का मतलब है कि बेसिकली ये वुमेन्स के लिए ही बनी है और हाई वेस्टेड जीन्स होती है। और ये आया कहाँ से है, अमेरिका में क्या होता था कि 1980 में जो मिडिल एज वाली वुमेन होती थी वो इस टाइप की जीन्स वियर करती थी, बिकॉज ये टाइप की जो जीन्स होती है वो हाई वेस्टेड होती है, तो आपकी कोई टमी वगैरह बाहर नहीं दिखता है। दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि बहुत ही कम्फर्टेबल होती है, तो इसका लुक जो है बहुत कूल दिखता है, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ तो भी। तो ये ट्रेंड जो है वहाँ से आया है, और अभी इन दिनों मॉम जीन्स का ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत ही अच्छा भी लगता है, क्योंकि एक तो ये कंफर्टेबल होती है, हाई वेस्टेड होती है, प्लस इसका जो लुकिंग होता है बहुत ही कूल होता है, इसलिए इसका ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है और ये सबको पसंद भी आती है। अब बात आती है कि केवल मॉम ही इसे वेयर कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप गर्ल हो चाहे वुमेन हो, चाहे आप बहुत एज वाले भी हो, ओल्ड एज वाले भी वुमेन भी हो, मॉम भी हो, चाहे आप मॉम भी हो चाहे ओल्ड एज वाली वुमेन भी हो, तो भी आप इसे वियर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल होती है और बहुत ही कूल लगती है। आप इसे बहुत तरीके से स्टाइल करके वियर कर सकते हो। तो इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज़ है कि आप मॉम जीन्स को कैसे स्टाइल करके वियर कर सकते हो, और जिन लोगों को नहीं पता था कि मॉम जीन्स क्या होती है उन लोगों को भी पता चल जाएगा। मेरे पास में दो मॉम जीन्स हैं, एक स्ट्रेट लेग की है और एक जो है वो थोड़ी लूज टाइप की है, बहुत कंफर्टेबल है। तो डोंट वरी, मैं इन दोनों जीन्स का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। एक मैंने आजियो से परचेस करी थी और एक मैंने मिंत्रा से परचेस करी थी, तो मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। एक मेरे पास में ब्लैक कलर की है जो बहुत ही लूज है मुझे, और इसमें मेरा साइज़ जो है वो 30 है। और मॉम जीन्स का ये है कि आपका जो भी साइज़ आता है उससे एक साइज़ आपको छोटा लेना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कंफर्टेबल होती है, तो आपको एक साइज़ छोटा लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये ब्लैक कलर की है जिसके यहाँ पे इलास्टिक बैंड आता है, और ये थोड़ी कंफर्टेबल है, बहुत लूज टाइप की है, और मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से स्टाइल करके वियर करती हूँ, आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा। और दूसरी जो है मेरे पास में ये ब्लू कलर की है, फ्रंट फोर पॉकेट जीन्स जो स्ट्रेट लेग की है, और ये थोड़ी क्रॉप स्टाइल में भी आती है, और इसमें मेरा साइज 28 है। मुझे किसी ब्रांड में 30 किसी ब्रांड में 32 आता है, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेची है, मेरा इसमें साइज जो है वो 28 है। मेरे पास में ये दो टाइप की मॉम जीन्स है, एक तो बहुत लूज टाइप की और एक थोड़ी सी कम लूज है मुझे, और स्ट्रेट लेग वाली है, तो दोनों ही मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। मैं इनको बहुत तरीके से स्टाइल करके वेयर करती हूँ और बहुत कूल वाइब्रेंट देती है मुझे। तो आप लोगों को नहीं पता हो तो अभी पता चल गया होगा। चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आप मॉम जीन्स को कैसे तरीके से स्टाइल करके वेयर कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे स्टाइल किया है, एक नॉर्मल स्ट्रिप टी शर्ट, आप इसकी जगह कोई भी लॉन्ग टी शर्ट वियर कर सकते हो। तो मॉम जीन्स के साथ में कोई भी लॉन्ग टी शर्ट हो या थोड़ी सी भी लूज़ टी शर्ट हो, तो आप उसको इस टाइप से टक करके वियर कर सकते हो, और विद कैजुअल शूज़, और अगर आप सनग्लासेस वगैरह वियर करते हो तो वो लगा सकते हो। तो ये बहुत ही कूल टाइप का लुक है और थोड़ा स्पॉटी लुक भी लगता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइप का लुक। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से स्टाइल किया है इसको। और नेक्स्ट लुक के लिए मैंने सेम ड्रेस वियर करी है, बट साइड में मैंने स्कार्फ का एक नॉट टाई किया है, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। तो इस लुक को थोड़ा सा नॉर्मल जो जीन्स एंड टॉप लुक होता है उसको थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए मैंने स्कार्फ का नोट बनाया अपने शोल्डर पे टी शर्ट के साथ में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उस टाइप का लुक, और ये मॉम जीन्स के साथ में बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट लुक के लिए मैंने वियर करी एक अगेन लूज टी शर्ट, जिसके ऊपर मैंने अपना बहुत ओल्ड कुर्ता था जिसके ऊपर एक जैकेट था, उसका जैकेट मैंने वियर किया है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी शॉर्ट जैकेट या कोई भी डिज़ाइनर जैकेट या डेनिम जैकेट भी वियर कर सकते हो टी शर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट जैकेट लूज टी शर्ट के ऊपर वियर की है मॉम जीन्स के ऊपर, तो बहुत ही कंफर्टेबल जोन वाला फील होता है इस टाइप के लुक के लिए, और स्पेशली ये जो लुक है वो कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और अपने नेक्स्ट लुक के लिए मैंने यहाँ पे वियर करी है एक लॉन्ग कुर्ती, लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ता। तो आपके पास में कोई भी लूज़ या स्ट्रेट लेग की मॉम जीन्स है तो आप उसको स्ट्रेट कुर्ते के साथ में स्टाइल करोगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। अगेन ये लुक जो है वो कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए है, इवन आप वुमेन हैं तो भी आप वियर कर सकते हैं।
तो बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइप का लुक। अपने नेक्स्ट लुक के लिए डेनिम ऑन डेनिम, वाओ, हमेशा से चलता आ रहा है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ग्रेट लुक है। मतलब मैं तो हमेशा यही प्रेफर करती हूँ, कुछ समझ नहीं आया तो डेनिम ऑन डेनिम वेयर कर लो। तो ये यहाँ पे मैंने नोट बनाया अपनी शर्ट पर ताकि मेरी शर्ट जो है थोड़ी सी क्रॉप दिखे और मेरी जीन्स का लुक पूरा अच्छे से दिख सके। तो विथ शर्ट आप जो है मॉम जीन्स को वेयर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा लुक लगता है। नेक्स्ट स्टाइल किया है मैंने क्रॉप टॉप, ब्लैक क्रॉप टॉप। इवन आप यहाँ पे कोई भी जो भी आपको पसंद हो, चाहे वो स्लीवलेस हो चाहे फुल स्लीव्स हो, कोई किसी भी तरह का क्रॉप टॉप चाहे एक मॉम जीन्स के साथ में आप स्टाइल करोगे तो बहुत ही एलिगेंट क्लासी लुक लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक क्रॉप टॉप स्टाइल किया है ब्लैक कलर का, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये लुक मेरा। और अपने नेक्स्ट लुक में मैंने सेम क्रॉप टॉप के ऊपर जो है वो डेनिम जैकेट वेयर कर लिया है। नेक में जो है एक चेन वेयर करी है जो कि अपने आप में एक सेलिब्रिटी वाला लुक बनता है। आपने किसी भी सेलिब्रिटी को देखा होगा तो डेनिम के अंदर कोई भी टी शर्ट और उस पर चेन वेयर की करी हुई होती है तो बहुत ही सेलिब्रिटी टाइप लुक और वैसे ही वाइब्रेंट देता है। तो आप इस टाइप से स्टाइल कर सकते हो, तो मुझे पर्सनली ये लुक बहुत बहुत अच्छा लगा। अपने नेक्स्ट लुक में मैंने वेयर करी है एक लूज टॉप, और आप चाहें तो कोई भी शॉर्ट कुर्ती जो होती है वो उस टाइप की कुर्ती आप जो है मॉम जीन्स के ऊपर वेयर कर सकते हो। तो ये कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए एकदम परफेक्ट लुक है और आप देख सकते हैं कितना प्रिटी और क्यूट लुक लग रहा है। और नीचे बेलीज वेयर करी है और नॉर्मल सा लुक है बट कॉलेज के लिए एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर ऐसे मैंने स्टाइल किया है इसको। और नेक्स्ट मैंने सेम टॉप को जो है टक करके वियर कर लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे ये आइडिया देना चाह रही हूँ मैं कि आप जो है किसी भी टाइप का जो लॉन्ग टॉप हो तो आप उसको या लॉन्ग कुर्ती हो तो इस टाइप से आप इनसाइड करके भी वियर कर सकते हो, इनसाइड टक करके भी वियर कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा लुक लगता है। अपने नेक्स्ट लुक में मैंने वियर करा है एक श्रग मॉम जीन्स के साथ में। तो आप श्रग के अंदर जो है ब्रालेट या फिर ट्यूब ब्रा या फिर नॉर्मल स्पोर्ट्स ब्रा भी वियर कर सकते हो और ऊपर से आप श्रग वियर कर सकते हो, तो बहुत ही कूल एंड बहुत ही सेलिब्रिटी टाइप और ये वाला लुक जो अभी बहुत ट्रेंडी भी है तो आप इस टाइप से वियर कर सकते हो विद सनग्लासेस। तो ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छे लगने वाला है। इन सारे लुक में मेरा जो सेकंड फेवरेट है वो ये वाला लुक है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वाला लुक मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने ये लुक स्टाइल किया और जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये श्रग रिसेंटली परचेज किया है तो आप जो है आगे इसमें नोट भी बना सकते हो, तो एक तरह से क्रॉप टॉप भी बन सकता है ये वाला श्रग। इवन आपके पास कोई भी श्रग हो जो जिगजैग डिज़ाइन का हो तो आप उसमें नोट बनाकर अपने श्रग को स्टाइल कर सकते हो, तो ये एक आउटफिट रेडी हो जाता है।
नेक्स्ट मैंने स्टाइल किया है जो टैंक टॉप, इस टाइप का जो टॉप आते हैं वो मैंने स्टाइल किया है अपनी मॉम जीन्स के ऊपर, और साथ में मैंने स्कार्फ जो होते हैं लॉन्ग स्कार्फ उसको मैंने एज ए स्टाइल के लिए नेक में लगाया है। तो आप देख सकते हैं कितना कूल लग रहा है, और इस टाइप का लुक जो है आप कैजुअली आउटिंग वगैरह पे जाते हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कितना प्रीटी लग रहा है मेरा लुक। अपने नेक्स्ट लुक के लिए मैंने यहाँ पे चेक्स की एक शर्ट को टक करके वियर करा है। अगर आपके पास कोई भी प्रिंटेड या चेक्स या कोई भी प्लेन शर्ट हो तो आप इस टाइप से टक करके वियर कर सकते हो। तो वो शर्ट थोड़ी सी लूज़ होनी चाहिए, और जैसा कि आपको पता है कि मॉम जीन्स अपने आप में थोड़ी सी लूज़ होती है, तो इस टाइप से लूज़ कॉम्बो जो बन जाएगा वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही कम्फर्टेबल और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये भी बहुत कूल टाइप का लुक होता है, और इसके ऊपर आप डेनिम भी वियर कर, डेनिम जैकेट भी वियर कर सकते हो। तो ये मुझे लुक बहुत अच्छा लगा। और अपने नेक्स्ट लुक में मैंने शर्ट को थोड़ा सा टक नहीं करके थोड़ा सा बाहर निकाल के और ऑफ शोल्डर वियर करा है। दैट्स इट, आप कोई भी शर्ट को आप ऑफ शोल्डर भी वियर कर सकते हो, इवन आप ऑफ शोल्डर टॉप भी वियर कर सकते हो मॉम जीन्स के ऊपर, तो वो भी बहुत कूल लगता है। सो आप लोगों ने देखा कि मैंने कितने तरीके से स्टाइल करके मॉम जीन्स को वियर करा है, तो आप इस तरीके से आप मॉम जीन्स को स्टाइल करके वियर कर सकते हो। गाइज आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहे तो नीचे कमेंट करके बताना, और आप आगे कौन सा वीडियो वॉच करना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, लाइक बटन, बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।